अब तो पुकार, शायद कोई तुझे जवाब दे। मुकदसों में से तू किसकी तरफ तवज्जा करेगा? क्योंकि गुस्सा नादान को कत्ल कर देता है और कहर अहमक को मार डालता है। मैंने बेवकूफ को जड़ पकड़ते देखा है, पर नागहां उसका मस्कन मलोन हुआ। उसके बाल बच्चे सलामती से दूर होते हैं, वो दरवाजे ही पर कुचले जाते हैं और उनका कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। भूखा उसकी खेती खा जाता है, बल्कि उसे कांटों में से भी छीन लेता है और पैसा उसकी दौलत को पी जाता है। क्योंकि मुसीबत हाक से नहीं निकलती और ना तकलीफ जमीन से उगती है, लेकिन इंसान अपने लिए तकलीफ पैदा करता है, जिस तरह चिंगारियां ऊपर उठती हैं। लेकिन चाहे कि मैं खुदा को ढूंढूं और अपना मामला उसी पर छोड़ दूं, वो ऐसे बड़े काम करता है जो समझ से बाहर हैं और अजायबात जो शुमार में नहीं आते, और जमीन पर मीना बरसाता है और खेतों की सतह पर पानी भेजता है। वो पस्त खालों को निजात के लिए बुलंद करता है और गमगीनों को आसाइश से तसल्ली देता है। वो धोखेबाजों के मंसूबों को बातिल करता है, ऐसा कि उनके हाथ उनके फरेबों को अंजाम तक नहीं पहुंचाते। वो दानिशमंदों को उन्हीं की चलाकी में गिरफ्तार कर देता है और हीलागरों को सलाह जल्द नाकाम होती है। वो दिन को तारीकी से दो चार होते हैं और दोपहर के वक्त रात की तरह टटोलते हैं, लेकिन वो मस्कीन को उनके मुंह की तलवार से और ताकतवर की शमशीर से बचाता है। चुनाचे मुहताज के लिए उम्मीद रहती है और बदी अपना मुंह बंद करती है। मुबारक है वो आदमी जिसे खुदा तंबी देता है, बस कादर मुतलक की तादीब की खकार न कर, क्योंकि वो जम लगाता है और पट्टी बांधता है। वो मारता है और उसके हाथ शिफा बख्शते हैं। वो छह मुसीबतों से तुझे छुड़ाएगा और सातवें में कोई बदी तुझे ना छुएगी। कहत में वो तुझे मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से। तू जुबान के चाबुक से छुपा रहेगा और जब मुसीबत आएगी तो ना डरेगा। हलाकत और फाके पर तू हंसेगा और जमीन के दरिंदों से तू खौफ ना खाएगा, क्योंकि मैदान के पत्थरों के साथ तेरा अहद होगा और बियाबान के दरिंदे तेरे साथ सुला रखेंगे। और तू जानेगा कि तेरा हैमा अमन में है। तू अपनी चिराहगाह को देखेगा और उसमें किसी चीज की कमी ना होगी। और तू ये भी जानेगा कि तेरी नस्ल बहुत होगी और तेरी औलाद जमीन की घास की तरह बढ़ेगी। तू बड़ी उम्र का होकर कब्र में जाएगा, जैसे गल्ले का पूला अपने वक्त में जमा किया जाता है। देख, हमने इसकी तहकीक की है और ये बात यूं ही है, बस उसे सुन और उससे फायदा उठा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।